दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा सोयाबीन खेती बर्बादी कगार पर चला गया है। मध्य प्रदेश में 70% हिस्सा पूरे देश का सोयाबीन का उत्पादन अकेले मध्य प्रदेश करता है, लेकिन इस साल किसानों के सामने आत्महत्या करने के सिवा कोई रास्ता ही दिख रहा है। कुछ दिन पहले मीडिया वाले बोलते थे कि ये किसान ने संतरा बेच के, बोल रहा हूँ, टमाटर बेच करके इतना कमाया, इतना कमाया, उतना कमाया, 200 किलो टमाटर हो गया, 300 किलो टमाटर हो गया। अब कोई किसान को देखने के लिए आ नहीं रहा, चाहे नेता हो, चाहे मीडिया वाले, चाहे कोई भी हो। ठीक है, मौसम का किसी के हाथ पे कंट्रोल नहीं होता, लेकिन बीमा और गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि कुछ तो इनको देखकर राहत प्रदान करें, क्योंकि कुछ किसानों को सुसाइड करने का समाचार भी मिल रहा है। आप देख सकते हो सोयाबीन पकने कगार पे है, लेकिन बारिश की वजह से न पक पा रहा है, और 90% आप सोयाबीन देखो सूख करके अलग हो गए, देखो अलग हो रहा है, देख सकते हो आप। अब करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। अब किसान सामने इसको देखे तो रोना आ रहा है, नहीं देखे तो भी रोना आ रहा है। ऊपर से कीड़े का बहुत ज़्यादा प्रकोप हो गया इसमें, इल्ली इतने लग रहे हैं कि क्या करें। ये आप सोयाबीन देख रहे हैं 95-60, फिर भी से लड़ रहा है। उम्मीद है आने वाले 1-2 दिन में बारिश होगा, ऐसा करके प्रिडिक्शन है, देखते हैं क्या होता है, नहीं होता है, लेकिन प्रिडिक्शन तो रोज आता है, रोज जाता है। अब ऊपर वाले के ऊपर ही हाथ है, ऊपर वाले बचा दे तो सोयाबीन बच सकता है, नहीं तो इस बार तो सोयाबीन का रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तेल का रेट भी बढ़ेगा, और सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि किसान का दूसरा फसल भी नहीं होगा, क्योंकि बारिश नहीं होगा तो कुओं में पानी नहीं भरेगा, और कुओं में पानी नहीं भरेगा तो आप ना गेहूं उत्पादन ले सकते हो, ना सोयाबीन का, ना सरसों का, ना चने का, धनिया का। तो महंगाई तो बढ़ने वाला है, लेकिन किसान के सामने फिलहाल चुनौती ये है कि वो अपने घर परिवार को कैसे चलाए। आप तो टीवी में देख करके खुश हो जाते हो, लेकिन 90% हमारे किसान ही है जो पूरे देश को चला रहे हैं, क्योंकि किसान का नहीं होगा तो व्यापारी के पास व्यापार भी नहीं होगा, न घर बनेगा, न खेती होगी, न ट्रैक्टर लेगा, तो समझ लो पूरा सिस्टम ही कोलेप्स कर जाएगा हमारे देश का। तो मेरे गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि किसानों का थोड़ा ध्यान दे, सुने, और बीमा अच्छे से अच्छे मुआवजा दे, क्योंकि अब के ऊपर ही अब डिपेंड हो गया है, बाकी भगवान जाने, और भगवान के ऊपर ही है, बारिश हो जाए तो थोड़ा बहुत बच जाएगा, नहीं तो खत्म है।